हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी फोर में वेलकम है। इसलिए दोस्तों, मैं यूपी पीसीएल एंड यूपीआर नेट टेक्नीशियन ग्रेड टू के लिए थ्योरी की क्लास चला रहे हैं। तो उसी के क्रम में दोस्तों, आज मेरी ये 24th क्लास है, ठीक है। इसके पहले ऑलरेडी मैंने 23 क्लास अपलोड कर चुकी हैं, जो कि आपका लगभग पूरा डिजिटल समाप्त हो चुका है, जो कि आपके सिलेबस में है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट की मैंने पूरी क्लास बहुत अच्छे से ख़त्म की है, और मैंने स्टार्ट किया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज हम बात करेंगे ट्रांजिस्टर की। इसके पहले हम ट्रांजिस्टर की पहली क्लास ले चुके हैं, उसके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी दी है, ठीक है। तो आज हम ट्रांजिस्टर को लगभग प्रयास करेंगे कि ट्रांजिस्टर आज समाप्त हो जाए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले यदि आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स से हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल लगभग मैं देख रहा हूँ कि यूपी पीसीएल में भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यूपी पीसीएल में मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 20 से लेकर 40 क्वेश्चन, मतलब 40% के आसपास लगभग आ जाते हैं जो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन। तो ट्रांजिस्टर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं यूपी पीसीएल में भी, तो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आज ट्रांजिस्टर की। तो इसके पहले यदि आप मेरी यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आप विजिट कर रहे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम, चलेंगे डायरेक्ट आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप उसे एक एक अच्छे से पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आज मेरा पूरा टारगेट रहेगा कि आज के ट्रांजिस्टर में आज की वीडियो को हम यहीं पे ट्रांजिस्टर में ही पूरा ख़त्म करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको ट्रांजिस्टर में जो कुछ बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा हम रिविज़न करना चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है, ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। तो हमारी जो ट्रांजिस्टर होती है, ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। एमिटर, बेस और कलेक्टर, 3 टर्मिनल होते हैं, और 2 जंक्शन होती है, एक जंक्शन जे ई होती है और एक जंक्शन जे सी होता है। तो हमारे जो तीनों लेयर होती हैं, अगर हम बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो लेयर होती है पी एन पी, और हम बात करेंगे यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो लेयर होती है क्या, ट्रांजिस्टर में 3 लेयर होती हैं, 3 जंक्शन होते हैं, और सॉरी दोस्तों, 2 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल होते हैं। तो 2 जंक्शन जो होते हैं हमारे, वो जे ई और जे सी होते हैं। हमने बताया था जो हमारा जे ई जंक्शन होता है, वो एमीटर बेस जंक्शन होता है। क्या होता है, जे ई जो होता है हमारा, वो होता है हमारा एमीटर बेस जंक्शन, ठीक है, एमीटर बेस जंक्शन होता है। इसके अलावा मैंने बताया था आपको, जो हमारा जे सी होता है, वो कलेक्टर बेस जंक्शन होता है, ठीक है। तो ये 2 जंक्शन पाए जाते हैं हमारे। मैंने एक चीज़ और को आपको बताई थी कि यदि हम कभी भी ट्रांजिस्टर को हम यूज करते हैं, तो उसे हम हमेशा एक्टिव मोड में रखते हैं। तो एक्टिव मोड मैंने बताया था कि एक्टिव मोड क्या होता है, कि एक्टिव मोड हमारा होता है ट्रांजिस्टर की एक ऑपरेशन होती है इसे प्रचालित करने के लिए, ठीक है। ट्रांजिस्टर को चलाने का एक मोड होता है एक्टिव मोड। तो एक्टिव मोड में क्या करते हैं, कि एक्टिव मोड मैंने आपको बताया था, अगर हम बात करते हैं एक्टिव मोड की, तो इसमें तो हमारे जो जंक्शन होते हैं जे ई और जे सी, तो जे ई जंक्शन जो होता है हमारा, वो होता है फॉरवर्ड बायस में, और हमारा जो जे सी जंक्शन होता है, वो होता है क्या, रिवर्स बायस में, ठीक है। तो जे सी जो होता है हमारा रिवर्स बायस में, और जे ई जो होता है हमारा, वो फॉरवर्ड बायस में होता है। तो इस चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, यदि कोई चीज़ फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस में तो जो शॉर्ट सर्किट काम करता है, फॉरवर्ड बायस होगा तो शॉर्ट सर्किट काम करेगा। जब शॉर्ट सर्किट काम करेगा, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, बहुत कम होता है, आप बोल सकते हो आप लो होता है। लेकिन कोई सर्किट अगर रिवर्स बायस में है, और कोई सर्किट अगर रिवर्स बायस में जाती है, तो जो ओपन सर्किट कार्य करती है, जब ओपन हो जाती है, जब बीच से कोई वायर कट हो जाता है या सर्किट बीच से कट हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो हमको रेजिस्टेंस मिलता है, वो इनफाइनाइट, मतलब बहुत अधिक इनफाइनाइट, या आप कह सकते हो बहुत अधिक मिलता है, ठीक है। तो ये सब थी दोस्तों ट्रांजिस्टर के बारे में। मैंने आपको टर्मिनल बताए थे, बाकी ट्रांजिस्टर को बना के बताया था कि कौन सा ट्रांजिस्टर एमिटर है, कौन, मतलब कि कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जैसे मैंने बताया था आपको, यदि करंट अंदर की तरफ फ्लो होती है, तो याद करने का तरीका मैंने बताया था आपको, यदि करंट अंदर की तरफ फ्लो हो रही है, तो हो जाता है हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। यदि हमारी करंट बाहर की तरफ फ्लो होती है, तो
हो जाता है हमारा क्या, एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर होते हैं क्योंकि सिंबल मैक्सिमम दोस्तों आप सबके यहाँ जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं या यू पी पी सी एल में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको सिंबल मैक्सिमम सिंबल से ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर दे देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा ट्रांजिस्टर है, आपको पहचानना रहेगा। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका है जो हमारा एमिटर टर्मिनल होता है, एमिटर टर्मिनल पर हम इसे एरो का निशान देखते हैं। यदि एरो अंदर की तरफ है तो हमारा पी एन पी हो जाता है, यदि एरो बाहर की तरफ होती है तो हमारा एन पी एन हो जाता है, ठीक है। तो ये रहे सब ट्रांजिस्टर के बारे में। आइए हम थोड़ा आज की स्टार्ट करेंगे हम किसके बारे में, आज हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर के बंद के बारे में पढ़ेंगे। मैंने इसके पहले भी आपको बताया था तो ट्रांजिस्टर के जो बंद होते हैं या ट्रांजिस्टर जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तीन प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये तीन प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन पाए जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आप कहते हो कि इसे कॉन्फ़िगरेशन का हम प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों एक छोटी सी सिंपल सी बात है कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में तीन ही टर्मिनल मिलता है, ठीक है। तीन टर्मिनल कौन से होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। यदि हम किसी चीज़ को यदि मान करो कि हमारे ट्रांजिस्टर हम इनपुट देते हैं तो दो लाइन की आवश्यकता होती है, और आउटपुट लेते हैं तब भी दो लाइन की आवश्यकता होती है। अगर हम मान चलें तीन टर्मिनल हम रखते हैं, इधर हम एमिटर रखें, इधर हम बेस रखें, अगर इधर हम कलेक्टर रखते हैं तो एक टर्मिनल तो कम पड़ रहा है। तो इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं कि एक को हम कॉमन में रख लेते हैं। मान चलिए मैंने इसको बेस को क्या कर दिया है, कॉमन। जब बेस को मैंने कॉमन कर दिया तो यहाँ पर बेस भी हो जाएगा, तो दो टर्मिनल हमको इनपुट के लिए मिल गए, दो हमको आउटपुट के लिए मिल गए। तो कोई सर्किट पूर्ण रूप से दो दो चार, दो पोर्ट इधर से, दो पोर्ट इधर से, तो फोर पोर्ट का नेटवर्क बन के एक टर्मिनल बनता है। तो दो पोर्ट आपको इधर मिल जाता है, दो पोर्ट आपको इधर मिल जाता है। तो इसीलिए हम इसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसको हम कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर। एक बार हम बेस को कॉमन करेंगे, एक बार हम एमिटर को कॉमन करेंगे और एक बार हम कलेक्टर को कॉमन करेंगे। तीन प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन बनते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। ये तीन प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, ठीक है। तो आइए हम एक एक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले मैंने आपको जो कुछ बातें बताई थी उसी मैंने दिखा है। देखिए इसमें क्या होता है कि मैंने बताया कि प्रत्येक कॉन्फ़िगरेशन में एमिटर बेस जंक्शन जो होता है हमारा, जिसे बोलते हैं जी ई, तो एमिटर बेस जंक्शन को कहाँ रखते हैं हम, फॉरवर्ड बायस या अग्र बायस में रखते हैं। तथा कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बायस करते हैं, ठीक है। तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हम बनाएंगे, यही हो हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बनाएं या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनाएं या कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनाएं, तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो उसमें जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन होगा उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, इसके अलावा जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन होगा उसको हम रिवर्स बायस में रखेंगे, ठीक है। तो आइए हम बात करेंगे पहले हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, कॉमन जिसे बोलते हैं सामान्य आधार बंध, ठीक है। तो बेस को आधार भी बोला जाता है, एमिटर को हिंदी में उत्सर्जक बोलते हैं और कलेक्टर को हिंदी में संग्राहक बोलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी अगर आप हिंदी में एग्जाम देंगे तो वहाँ पे आपको आधार दिया रहेगा, बेस नहीं दिया रहेगा, और एमिटर आपको वहाँ पर एमिटर नहीं वहाँ पर उत्सर्जक दिया रहेगा, और आप कलेक्टर को आप ढूंढेंगे वहाँ पे तो कलेक्टर नहीं आपको वहाँ पर संग्राहक मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपसे बंद नहीं पूछता है, ठीक है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होती हैं वही पूछता है, लेकिन मैंने इसका ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन का अगर सर्किट डिज़ाइन करनी है कैसे करते हैं। तो हम बात करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में पीएनपी, तो दो पी के बीच में यदि एन को हम सैंडविच कर देते हैं तो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर बनता है, ठीक है। तो जानते हैं कि हमको क्या करना है, हमने बताया था कि दो प्रकार के जंक्शन पाए जाते हैं, एक होता है हमारा जी
एक होता है हमारा जेसी। तो ये हमारा टर्मिनल कौन सा है, हमारा एमीटर है, हमारा बेस है, हमारा कलेक्टर है। तो एमीटर बेस जंक्शन इधर ही मिलेगा, क्या मिलेगा, ये एमीटर बेस जंक्शन होगा। जब ये एमीटर बेस जंक्शन होगा, मैंने बताया कि एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करना है। तो फॉरवर्ड बायस में करने के लिए क्या करते हैं कि हमारा जो पी टर्मिनल होता है उसको हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं बैटरी के, और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है। देखिए मैंने पी को ऑलरेडी क्या किया है, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिया है, और एन को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ऐड कर दिया। तो सर्किट हमारी क्या हो गई, ए वाली, तो ए इतना हमारा जो जंक्शन है क्या है हो गया, ये तो मेरा फॉरवर्ड बायस हो गया। हम बात करते हैं इधर कलेक्टर बेस जंक्शन की। तो कलेक्टर बेस जंक्शन को मैंने बताया ऑलरेडी रिवर्स बायस करना है। तो रिवर्स बायस में करने के लिए क्या करते हैं कि हम एन को तो नेगेटिव से जोड़ते हैं, और पी को हम, मतलब एन को हम पॉजिटिव से और पी को हम नेगेटिव जोड़ते हैं रिवर्स बायस करने के लिए। तो हमने पी को देखिए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, एन को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये जंक्शन हमारा क्या हो गया, ये जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो जंक्शन हमारा रिवर्स बायस हो गया। अब इसकी कार्य प्रणाली वही है जैसे इसकी पहले सेम कार्य प्रणाली होती थी। ठीक है, अब देखिए बीच में जो जंक्शन बने हैं, ठीक है, यहाँ पर एक लेयर बनी है डिप्लीशन लेयर। अब इस डिप्लीशन लेयर को तोड़ने के लिए हम ऑलरेडी कनेक्शन करते हैं, इसकी बायसिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ऑलरेडी मेरा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ेगा तो पी में होल्स की संख्या मैक्सिमम हो जाएगी। जब होल की संख्या मैक्सिमम हो जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा कि जंक्शन को पार कर देगी, जंक्शन को पार करके मैक्सिमम होल्स इस जंक्शन में आ जाएंगे, मतलब बेस में आ जाएंगे, और बेस के कुछ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आ जाएंगे होल्स में, आपस में न्यूट्रलाइज करेंगे। न्यूट्रलाइज देखिए प्रक्रिया इसकी वही है, लेकिन मतलब होल की संख्या मैक्सिमम है क्योंकि होल हमारा मेजॉरिटी है। मैंने बताया था कि एमीटर क्या करता है, एमीटर बहुसंख्यक वाहक को उत्सर्जित करता है। तो एमीटर से उत्सर्जित हुए इलेक्ट्रॉन या होल्स जो होगा बहुसंख्यक में, अगर हम बात करेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो होल्स हो जाएगा, और बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की तो उसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होगा वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि एमीटर से, ठीक है, निकले हुए मेजॉरिटी कैरियर कहाँ तक जाते हैं। तो एमीटर से निकल कर कहाँ तक पहुँचते हैं, वो कलेक्टर तक पहुँचते हैं बेस के माध्यम से। तो एमीटर से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बेस से कलेक्टर तक जाते हैं। तो जो बेस में हमारे जो कैच, तो उसको बेस बंद को जो तोड़ते हैं, बंद को जब टूटता है तो टूटने के बाद जो हमारी जो जंक्शन लेयर जो टूटती है हमारी, टूटने के बाद जो हमारे बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं वो सभी आ जाते हैं कहाँ पे, कलेक्टर में। तो इसी प्रकार से इसमें धारा का चालन होता है। मैंने बताया था कि जो टोटल करंट हमारी एमीटर रहेगी तो कलेक्टर करंट पूछ लेगा, या कलेक्टर करंट दी रहेगी या एमीटर करंट दी रहेगी तो बेस करंट पूछ लेगा। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी हम देख लीजिए इसका बंद ट्रांजिस्टर में कैसे बनता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं से आपसे दो तीन क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है, वो लगभग हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था कि ट्रांजिस्टर हमारा ये बना हुआ है, ये हमारा इनपुट है और हमारा आउटपुट है। तो इनपुट का टर्मिनल देखिए कौन सा है हमारा, बेस तो ऑलरेडी मेरा ग्राउंड है तो मैंने बेस को कॉमन कर रखा है। एमीटर टर्मिनल देखिए आपको मिल रहा है क्या, इनपुट। तो एमीटर बेस जंक्शन जो हो गया हमारा क्या हो गया, वो इनपुट टर्मिनल हो गया। जब एमीटर बेस जंक्शन हमारा इनपुट टर्मिनल हो गया तो एमीटर बेस जंक्शन हमारा क्या है, फॉरवर्ड बायस में है। जब एमीटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में है तो मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है, लो होता है। तो इसीलिए हमारा जो कॉमन बेस होता है, कॉमन बेस का जो इनपुट रेजिस्टेंस होगा वो लो होगा। और आउटपुट टर्मिनल देखिए, आउटपुट टर्मिनल हमारा क्या है, कलेक्टर और बेस के बीच में है। तो आउटपुट टर्मिनल जो हमारा कलेक्टर और बेस के बीच में है तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए
ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें क्योंकि यही पॉइंट पूछा जाता है। यही और कुछ याद रहे आपको, नहीं याद रहे तो मैंने चीज़ें आपको बताई अभी तक, कुछ भी नहीं याद हो चलेगा ठीक है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यही एग्जामिनर पूछता है कि कॉमन बेस में इनपुट इम्पीडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इनपुट रेजिस्टेंस तो लो होगा, लेकिन हम बात करेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस की, तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। हाई क्यों होता है, क्योंकि कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में है जो कि आउटपुट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, और एमिटर बेस जंक्शन हमारा क्या है, एमिटर बेस जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस में है जो कि यूज किया जा रहा है कैसे, वो इनपुट की तरह यूज किया जा रहा है। तो इसीलिए इनपुट के केस में हमारा लो हो जाएगा और आउटपुट केस में हाई हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मैं इसको बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन बहुत होता है कॉमन बेस में और कॉमन कलेक्टर में, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो इसलिए मैंने इसको एक अलग तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी ठीक है। अगर आपको पता है कि कौन सा टर्मिनल हमारा इनपुट के रूप में है, कौन सा जंक्शन, और कौन सा जंक्शन हमारा आउटपुट के रूप में है, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो ठीक है, कि कॉमन बेस में जो हमारा इनपुट टर्मिनल होता है वो क्या होता है, वो जे ही होता है, मतलब उसके बाद आउटपुट के रूप में जो होता है हमारा जे सी होता है। तो आपको पता है कि जे सी हमारा क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, और जे हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है। तो आप यहाँ से आपका जो कन्फ्यूजन होता है वो कन्फ्यूजन शायद में यहाँ से नहीं रहेगा। तो मैंने अपना याद करने का जो तरीका बनाया है मैंने ऐसे बना के रखा है, तो मेरा क्वेश्चन जल्दी से गलत नहीं होता कभी ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो लगभग दूर हो जाता है, क्योंकि हम ऐसे याद नहीं करते कि लो होगा हाई होगा हाई होगा लो होगा, तो ऐसे आप याद रखोगे ना तो वहाँ पे कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ठीक है। तो इसलिए आप ऐसे याद रखो कि सी बी का जो हमारा कॉमन बेस जंक्शन होता है, जो उसका इनपुट टर्मिनल होता है वो हमारा जे ई होता है, जंक्शन जे ई, जो आउटपुट टर्मिनल होता है वो जंक्शन जे सी होता है। जब ये चीज़ याद रखेगी आपको याद रहेगी तो आप समझ जाओगे कि जे सी हमारा क्या होता है, वो हमारा जे सी रिवर्स बायस में होता है। जब जे सी हमारा रिवर्स बायस में होगा तो हमारा जो रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, वो हाई होगा, और जे ई हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, तो जे ई हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, तब रेजिस्टेंस जो होता है क्या होता है, वो लो होता है। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है ठीक है, कॉमन बेस कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर से किसी न किसी का इनपुट इम्पीडेंस या आउटपुट इम्पीडेंस तो जरूर ही पूछता है, और मैसों लोग गलत करते हैं ठीक है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है गलत करने वाली, लगभग 90% लोग इस क्वेश्चन गलत करते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है क्वेश्चन, मैसों लोगों का क्वेश्चन गलत ही होता है ठीक है। तो क्यों, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। अभी आप पढ़ लोगे, अभी तो आप सिर्फ एक पढ़े हो आपको याद है, अभी आप कॉमन मीटर पढ़ लोगे कॉमन कलेक्टर पढ़ोगे तब फिर आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ठीक है। आइए हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं इसके बारे में, क्योंकि कॉमन बेस में जो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट ही पूछे जाते हैं एग्जाम में ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें बेस टर्मिनल जो होता है हमारा वो इनपुट तथा आउटपुट के बीच में क्या हो, कॉमन होता है। मैंने बताया ना कि कॉमन बेस की बात करेंगे तो हमारा जो बेस टर्मिनल होगा वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन कर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में। इसके अलावा क्या है कि इनपुट सिग्नल जो होता है हमारा वो एमीटर बेस के मध्य दिया जाता है। तो इनपुट सिग्नल हमें एमीटर बेस के मध्य देते हैं, और आउटपुट सिग्नल जो होता है वो कलेक्टर तथा बेस के मध्य में लिया जाता है। तो आउटपुट हम कलेक्टर और बेस के मध्य में लेते हैं, पूछता भी है कभी कभी ठीक है, हमारे सबके यहाँ जे लेवल में कई बार पूछा गया है ठीक है। तो आपके यहाँ भी अगर बहुत अंदर तक जाता है तो ये पूछ लेता है ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आउटपुट टर्मिनल हम किसके बीच में लेते हैं ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ें समझा के बताई हैं अच्छे से कि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। इसके अलावा जो है कि जो हमारा इनपुट वोल्टेज होता है, हमने बताया कि मीटर और बेस के बीच में लिया जाता है, तो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, वी ई बी हो जाएगा, और इनपुट धारा जो हो जाएगी हमारी आई ई हो जाएगी, और आउटपुट वोल्टेज हमारा क्योंकि कलेक्टर और बेस के बीच में लिया जाता है तो वी सी बी हो जाएगा, और आउटपुट धारा हमारी जो है कलेक्टर टर्मिनल के मध्य से ली जाती है तो क्या हो जाती है, आई सी हो जाती है। तो ये भी पूछता है ठीक है कि कॉमन बेस में इनपुट वोल्टेज क्या होता है ठीक है। तो आपको जब पता होगा कि कॉमन बेस को हम जो है जो हमारा इनपुट टर्मिनल होता है वो एमिटर बेस जंक्शन के बीच में लेते हैं तो उसका जो वोल्टेज होगा भी ये भी होगा ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो आपको समझाया
अगर वो चीज़ें आपको समझ होगी तो ये हर एक क्वेश्चन आप वहीं से कर सकते हो, ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। यदि आपको पता है कि हमारा जो सीबी होता है, सीबी में हम क्या करते हैं, सीबी में हमारे जो दोनों टर्मिनल होते हैं इनपुट और आउटपुट वाले, तो इनपुट के रूप में हम क्या लेते हैं, जंक्शन जीई को रखते हैं, और आउटपुट के रूप में हम जंक्शन जीएसी को रखते हैं। तो जंक्शन जीई जो होता है हमारा क्या होता है, जंक्शन जीई मैंने बताया है कि ऑलरेडी वो फॉरवर्ड बायस होता है, और जंक्शन जीएसी हमारा रिवर्स बायस होता है। जब जंक्शन जीएसी हमारा रिवर्स बायस होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा और इसमें जंक्शन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता हो गई। बाकी हमने बताया कि जेई क्या होता है, जेई हमारा एमीटर बेस जंक्शन होता है। तो जब हम जेई को हम एमीटर और बेस के बीच में यूज कर रहे हैं तो हमारा जो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा भी ई बी हो जाएगा, और हम जेसी को कलेक्टर बेस के बीच में यूज करते हैं तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा भी सी बी हो जाएगा, ठीक है, भी सी बी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो आउटपुट करंट, करंट हम किसके माध्यम से ले रहे हैं, कलेक्टर के माध्यम से ले रहे हैं, क्योंकि बेस हमारा ऑलरेडी ग्राउंड है, तो हम कलेक्टर के माध्यम से लेंगे कलेक्टर करंट हमारी क्या हो जाएगी, आउटपुट करंट हो जाएगी। हम इनपुट किसके माध्यम से ले रहे हैं, मीटर के माध्यम से ले रहे हैं, तो इनपुट हम मीटर के माध्यम से ले रहे हैं, तो हमारा इनपुट मतलब मीटर में जो करंट प्रवाहित होगी आई ई हो जाएगी हमारी इनपुट करंट आई ई। तो हम आशा करते हैं जो चीज़ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा प्रॉब्लम जरूर होती है दोस्तों, क्योंकि आपको प्रॉब्लम वही है, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं मोबाइल पे लिख रहा हूँ तो कुछ चीज़ें बोलता ज़्यादा हूँ और आपको लिखता थोड़ा कम हूँ, तो इसलिए अगर मेरा वीडियो आप देख रहे हैं तो आप सुनने का प्रयास ज़्यादा करेंगे, ठीक है। आप अच्छे से सुनेंगे तो हर एक चीज़, मैं प्रयास करता हूँ कि आवाज़ आपको एकदम क्लियर सुनाई दे, ठीक है। तो आप अगर सुनेंगे अच्छे से तो आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्या, इनपुट गतिज प्रतिरोध, इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इनपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, जो इनपुट में हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, वो आर आई इक्वल टू डेल वी ई बी अपॉन डेल आई ई। तो जानते हो कि क्या होता है, रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, तो ये होता है वोल्टेज और करंट का रेशियो, तो होता है रेजिस्टेंस। तो इनपुट में हमारा वोल्टेज क्या था, हमने बताया था बेस एमीटर, एमीटर बेस वोल्टेज इनपुट में था, और इनपुट धारा क्या थी आई। तो हमारा बेस एमीटर वोल्टेज अपान एमीटर करंट जो होगी हमारी, वो हमारी डायनेमिक रेजिस्टेंस हो जाएगी या इनपुट गतिज प्रतिरोध हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें क्या होता है कि जो हमारा सीबी मोड में ट्रांजिस्टर का इनपुट प्रतिरोध बहुत कम होता है, यही पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में सब चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है, किसका लो होता है, किसका हाई होता है वही, तो लेकिन थोड़ा सा विस्तार से आप समझिए इसे कितना होता है। बहुत कम, लगभग 20 से लेके 100 ओम के बीच में होता है हमारा सीबी ट्रांजिस्टर का इनपुट प्रतिरोध, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हम बात करेंगे आउटपुट प्रतिरोध की, ठीक है। तो आउटपुट प्रतिरोध हमारा क्या होता है, वही जो मैंने बताया है आपको कि कलेक्टर बेस वोल्टेज अपान कलेक्टर करंट, ये हो जाएगा हमारा आउटपुट प्रतिरोध, ठीक है। आउटपुट डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो आउटपुट गतिज प्रतिरोध। तो इसमें क्या होता है, सीबी मोड में जो हमारा आउटपुट प्रतिरोध का मान होता है वो बहुत अधिक होता है। अधिक क्यों होता है, मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि वो कलेक्टर बेस जंक्शन जो होता है हमारा वो रिवर्स बायस में होता है, तो इसीलिए सीबी मोड में जो आउटपुट प्रतिरोध होता है उसका मान बहुत अधिक होता है, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट को देखते हैं। धारा प्रवर्धन गुणांक, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ठीक है। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इसका जो रेशियो है इसको आप याद रखें, बाकी कॉमन बेस के लिए पूछा जाता है, कॉमन बेस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, अल्फ़ा का। तो कॉमन बेस में अल्फ़ा होता है, इसको याद रखना है आपको। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल आई सी अपान डेल आई। इस पर न्यूमेरिकल दोस्तों लगाने के लिए आता है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। आपको कलेक्टर करंट दे देगा, आपको एम्पलीफिकेशन फैक्टर का मान दे देगा, मतलब कि करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या अल्फ़ा का मान दे देगा, वो आपसे पूछ लेगा एमीटर करंट क्या होती है। तो आप सिंपल से हैं, बाकी अभी इसको मैं लास्ट में समझाऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल भी लूँगा इसके ऊपर, ठीक है। दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी।
बाकी ये फार्मूला आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि काफ़ी चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो बाहर की हो, ठीक है। हर एक चीज़ पूछी जाती है, तो इसीलिए मैंने आपको हर एक चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ में आए। और मैंने आपसे एक बात बार बार कही है, आपको एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। अगर आपको समझ में भी नहीं आता तो इन पॉइंट को आपको सिर्फ रट लेना है। तो देखिए, क्योंकि भाई नौकरी लेना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो नौकरी के लिए, जॉब के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आपको चीज़ों में से प्रयास करता हूँ बहुत हर चीज़ को आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। क्योंकि यदि आप समझ रहे हो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप मेरे सामने तो हो नहीं, ठीक है। मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी आपको अपलोड करूँगा तो आपको मिलेगी। अब मेरे सामने होते तो मैं आपको और अच्छे समझा रहा हूँ, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में ऑनलाइन क्लास में ये अंतर होता है, ठीक है। कि आप सामने नहीं हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप सबको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, लेकिन हाँ चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो कि हाँ सर आपने जो बताया वो हमको समझ में आया, ठीक है। दोस्तों कमेंट में आप ज़रूर बताया करें, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कॉमन बेस में, तो कॉमन बेस में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, देखिए बात करते हैं हम अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा का जो मान होता है एक से कुछ कम, 0.98, कहीं कहीं 0.99 भी दिया रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आता है, ठीक है। तो कई बार मैंने इसमें देखा है, DMRC पेपर देखा था वहाँ भी पूछा था अल्फ़ा का मान कितना होता है, नोएडा मेट्रो का पेपर देखा था वहाँ भी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा का मान पूछता है कि अल्फ़ा का मान कितना होता है, तो अल्फ़ा का मान 0.98 होता है। देखिए कॉमन बेस में जो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो ये अल्फ़ा का मान पूछेगा, या कॉमन बेस में आपसे पूछेगा उसका इनपुट प्रतिरोध क्या होता है, या आपसे पूछेगा उसका आउटपुट प्रतिरोध क्या होता है। तीन क्वेश्चन हो गया, इन तीन क्वेश्चन के अलावा हमको नहीं लगता कि और कोई क्वेश्चन पूछने वाला है कॉमन बेस से। तो ये तीन क्वेश्चन जब आपको याद होंगे तो आपको एक नंबर तो 100% मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो आपको इनपुट प्रतिरोध पता रखना है कि लो होता है, आउटपुट प्रतिरोध हाई होता है, और अल्फा का मान जो होता है 0.98 होता है, और अल्फा जो हमारी उसका जो अल्फा का मान होता है धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा इक्वल टू वो होता है हमारा IC/IE। ये चीज़ भी आपको याद रखना, क्या अल्फा इक्वल टू होता है IC/IE, जो मैंने अभी बताया था IC/IE। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, तीन चार चीज़ें यदि आपको याद हैं तो आपका एक नंबर फिक्स है, ठीक है। हम बात करते हैं कॉमन मोड में ट्रांजिस्टर उच्च आवृत्तियों पर कार्य करता है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये भी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था DMRC में, यदि जो DMRC का पेपर दिया होगा मेंटेनर का, आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर मिलेगा। एक क्वेश्चन GA में पूछा गया था, मेंटेनर और GA दोनों में कॉमन आया था क्वेश्चन, ठीक है। तो पूछा था कि किसमें, जो क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किसमें उस कौन सा बंद जो है अधिक आवृत्ति पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसमें लोग कन्फ्यूज रहते हैं लगभग कॉमन बेस और कॉमन एमिटर में, ठीक है। तो आप याद रखें जो कॉमन बेस होता है वही हमारा हाई फ्रिक्वेंसी या उच्च आवृत्तियों पर ऑपरेट किया जाता है या उच्च आवृत्तियों पर कार्य करता है। कौन सा बंद? कॉमन बेस मोड, ठीक है। ये देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जल्दी मिलते नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम उस कंडीशन से गुजर चुके हैं तो हमको पता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कोई चीज़ आपकी छूटे ना, ठीक है। बात करते हैं इसका धारा लाभ क्या होता है, इसका धारा लाभ जो होता है वो एक से कम होता है। क्या धारा लाभ एक से कम होता है, जिसे बोलते हैं हम करंट गेन। बाकी जो लीकेज धारा होती है ICBO, कॉमन बेस में जो लीकेज धारा होती है वो ICBO होती है, जो कि बहुत कम माइक्रो एम्पियर में होती है। कितना होती है? माइक्रो एम्पियर में होती है लीकेज धारा कॉमन बेस में। लीकेज धारा को हम प्रदर्शित करते हैं ICBO से, जिसका मान बहुत कम माइक्रो एम्पियर में होता है। लीकेज धारा का मान तापमान पर निर्भर करता है, ये आपको पता ही है। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लीकेज करंट का मान बढ़ती है, ठीक है। जब 10 डिग्री तक टेम्परेचर कर लेते हैं तो लगभग डबल हो जाती है लीकेज करंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैं पहले से शुरू की क्लास में आपको बता रहा हूँ। जहाँ लीकेज धारा मिलेगी आपको पता रखना है कि लीकेज धारा जो प्रवाहित होती है हमारी वो माइनॉरिटी कैरियर के कारण प्रवाहित होती है। माइनॉरिटी कैरियर के कारण ही हमारी लीकेज करंट प्रवाहित होती है, और लीकेज करंट हमारे टेम्परेचर पर भी निर्भर करती है। लीकेज करंट के बारे में यही दो पॉइंट पूछता है, लीकेज करंट किसके माध्यम से प्रवाहित होती है, तो माइनॉरिटी कैरियर के कारण प्रवाहित होती है, और किस पर निर्भर करती है?
टेम्परेचर पर निर्भर करती है। ये रहा कॉमन बेस। तो कॉमन बेस में कुछ और पॉइंट हैं। तो कॉमन बेस दोस्तों ये समाप्त होता है, हम आ जाते हैं कॉमन एमिटर पे। ठीक है, तो हम बात करेंगे कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में भी मैंने बताया था कि आपको एमिटर टर्मिनल को क्या करते हैं, हम इनपुट और आउटपुट के बीच में कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो सी मोड में कॉमन एमिटर मोड में एमिटर टर्मिनल को इनपुट तथा आउटपुट के बीच में कॉमन कर दिया जाता है। ठीक है, देख लीजिए इनपुट और आउटपुट के बीच में कौन सा टर्मिनल कॉमन है, हमारा एमिटर टर्मिनल कॉमन है। तो हम बात करते हैं इनपुट टर्मिनल के रूप में क्या है, तो इनपुट के रूप में हमारा यही बेस एमिटर वोल्टेज है जो कि इनपुट के रूप में है, और आउटपुट के रूप में हमारा कलेक्टर एमिटर टर्मिनल है। ठीक है, जो कि आउटपुट के रूप में है। ठीक है, तो हम इसमें हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने आपको कॉमन बेस अच्छे से समझा दिया, वही प्रक्रिया पूरी है। ठीक है, तो हम बस चीज़ें क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं तो सब चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो आपको समझते हुए चलना है। इसमें भी क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज वही हो जाएगा हमारा, बेस एमिटर वोल्टेज देखिए जो हमारा ए होता है कॉमन एमिटर वाला वो लगभग एकदम सेम टू सेम होता है कॉमन बेस की तरह। ठीक है, जिसमें भी इनपुट इम्पीडेंस क्योंकि इसमें थोड़ा हम बोल देते हैं कि मीडियम होता है, बाकी सेम चीज़ें वही होती हैं। ठीक है, तो इनपुट वोल्टेज हमारा क्या हो गया, बेस एमिटर वोल्टेज हो गया क्योंकि बेस और एमिटर के बीच में है हमारा इनपुट टर्मिनल, और आउटपुट धारा हमारा बेस हो गई आईबी हो गई क्योंकि हम इनपुट जो दे रहे हैं वो बेस के माध्यम से दे रहे हैं, आउटपुट हम कलेक्टर के माध्यम से लेंगे तो कलेक्टर हमारा हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा वीसीई हो जाएगा, और आउटपुट धारा जो हो जाएगी वो आईसी हो जाएगी। ठीक है, कलेक्टर के माध्यम से आउटपुट लेंगे तो उसमें कलेक्टर करंट आईसी। इसमें भी क्या है कि कलेक्टर हमारा जो कलेक्टर बेस जंक्शन है हमारा क्या है, कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा रिवर्स बायस में है, और कमी मतलब कि बेस एमिटर जंक्शन जो है जेई वो हमारा फॉरवर्ड बायस में है, वो भी इनपुट के रूप में है। तो इसमें भी हो जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा लो हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम सेम टू सेम वही प्रक्रिया है इसमें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये आपको याद हो, सिर्फ कॉमन बेस का याद हो तो आपको सब आसानी से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट भी किया था क्या, कॉमन बेस, तो इसलिए मैंने कॉमन बेस को अच्छे से समझाया। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इनपुट सिग्नल जो होता है बेस और एमिटर के मध्य लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि इनपुट सिग्नल जो हमारा बेस और एमिटर के बीच में है, और आउटपुट सिग्नल जो हमारा कलेक्टर एवं एमिटर के मध्य में लिया गया है। किसके मध्य में लिया गया है, कलेक्टर और एमिटर के मध्य में। ठीक है, इसमें अभी हमारा जो इनपुट प्रतिरोध होगा वही होगा। ठीक है, वी बी अपान डेल आई बी, क्योंकि इनपुट वोल्टेज जो है हमारा बेस एमिटर वोल्टेज है, और इनपुट करंट जो हमारा है वो आई बी है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगा हमारा वोल्टेज अपान करंट का रेशियो होगा। ठीक है, सी मोड में ट्रांजिस्टर का जो इनपुट प्रतिरोध होता है वो सी बी मोड से काफ़ी अधिक होता है। ठीक है, तो कॉमन बेस मोड से थोड़ा अधिक होता है क्योंकि मैंने बताया था कॉमन बेस में कितना होता था 20 से 100 ओम तक होता था, लेकिन एमिटर में लगभग 1 किलो ओम तक होता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अधिक होता है सी मोड का जो इनपुट प्रतिरोध होता है, तो कॉमन बेस से अधिक होता है। ठीक है, हम बात करते हैं आउटपुट गतिज प्रतिरोध की, तो वही है क्योंकि हम कलेक्टर के माध्यम से आउटपुट टर्मिनल की मतलब कि आउटपुट टर्मिनल हमारा कलेक्टर है, तो कलेक्टर के माध्यम से हम जो ले रहे हैं तो हमारा जो कलेक्टर इमीटर वोल्टेज होगा और जो कलेक्टर करंट होगी उसका जो रेशियो होगा वही हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस भी हो गया। हम बात करते हैं क्या, धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा की, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा हमारा क्या है, पूछता है कि बीटा किस में प्रयोग करते हैं, धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन बनता है, पूछ लेगा आपसे कॉमन बेस में, कॉमन कलेक्टर में, कॉमन एमिटर में या कॉमन जेफेट में। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेगा आपसे, तो आपको पता होना चाहिए कि बीटा कहाँ प्रयोग करते हैं, तो बीटा का प्रयोग कहाँ करेंगे, कॉमन एमिटर में। ठीक है, तो बीटा हमारा क्या मिल जाता है, ठीक है, डेल आई सी अपान डेल आई पी, मतलब आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, बीटा। तो धारा प्रवर्धन गुणांक, तो बीटा इक्वल टू हो जाता है आई सी अपान
आई बी इस पर निमेरिकल लगाने के लिए आता है, सिंपल सा है, आसानी से आप कर लोगे, ठीक है, एकदम फार्मूले बेस पे निमेरिकल आता है। तो हम बात करते हैं इसका मान, तो इसका मान जो होता है लगभग बीटा का मान कितना होता है, लगभग 100 होता है, ठीक है। तो बीटा का मान कितना होता है, लगभग 100 होता है। इसमें मैंने बताया था आपको अल्फा का मान कितना होता था, 0.98 होता था, तो यहाँ पर कितना है, लगभग 100 है, ठीक है। इसमें गुण व दोष क्या होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो इसके वोल्टेज तथा धारा लाभ क्या होते हैं, उच्च होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, पूछा जाता है बार बार। जो हमारा सी मोड होता है, सी मोड में जो वोल्टेज या करंट गेन जो होती है वो हाई होती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो शक्ति लाभ होता है, पावर लाभ जो होता है, सी बी और सी सी मोड से अधिक होता है, मतलब जो कॉमन एमिटर का जो पावर गेन होता है वो सी बी और सी सी दोनों से अधिक होता है। तो सबसे अधिक पावर गेन किसमें पाया गया, सबसे अधिक पावर गेन कॉमन एमिटर में पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस चीज़ को आपको याद रखना है, ठीक है। कई बार पूछता है कि पावर गेन सबसे अधिक किसकी होती है, तो पावर गेन सबसे अधिक कॉमन एमिटर की होती है, इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इसके इनपुट तथा आउटपुट प्रतिरोध में अधिक अंतर नहीं होता है, ठीक है। मतलब इसका जो हमको इनपुट और आउटपुट प्रतिरोध मिलता है उन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लगभग दोनों मीडियम होते हैं, इसलिए लिया जाता है कि मीडियम रेंज में कॉमन एमिटर का जो इनपुट रेजिस्टेंस और जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो दोनों मीडियम होता है। इन दोनों के इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। कैस्केडिंग इसीलिए क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रेजिस्टेंस के, इसीलिए इसको हम कैस्केडिंग में भी आसानी से यूज करते हैं। तो पूछा जाता है कि निम्न में से किस बंद का या किस कॉन्फ़िगरेशन का हम कैस्केडिंग में यूज करते हैं, तो कैस्केडिंग के लिए किसका यूज करते हैं, कॉमन एमिटर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कैस्केडिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हम कैस्केडिंग के लिए कॉमन एमिटर का प्रयोग करेंगे। इसका आवृत्ति अनुक्रिया वक्र कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस मोड की अपेक्षा खराब होता है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो होता है इसका वो कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस की अपेक्षा खराब होता है, ठीक है। इसके अलावा सी मोड में जो लीकेज धारा होती है क्या होती है, आई सी ई ओ जो लीकेज करंट होती है का मान अधिक होता है। जो हमारी लीकेज करंट सी ई होती है, आई सी ई ओ लीकेज का मान जो होता है अधिक होता है, इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये सब थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कॉमन एमिटर के बारे में। हम आशा करते हैं कि आपको कॉमन एमिटर समझ में आया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। इसे भी थोड़ा हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉमन देखिए दोस्तों क्या है कि हमने जो पॉइंट लिख के लाए हैं, पॉइंट वही पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। वो पॉइंट आपको याद करने, एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया फिर से आप दोबारा देखें, फिर से आप तिबारा देखें, आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप अभी मैं एक्सरसाइज लेके आऊँगा आपके लिए ऑब्जेक्टिव की, तो आप एक हर एक क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है। बस ट्रांजिस्टर आज खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम जेफेट और मॉस्फेट, एक दिन क्लास में जेफेट को मॉस्फेट दोनों को पूरा कर दें, तो आपका पूरा एडीसी का पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आपका बचेगा क्या, एम्पलीफायर ऑसिलेटर, ये दो चीज़ें हैं जो कि अब मैं आपको उसके भी एम्पलीफायर ऑसिलेटर ही खत्म करके पूरा आपका खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, ठीक है। तो हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को ही एमिटर फॉलोवर भी कहा जाता है, क्या, एमिटर फॉलोवर। तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को ही हम बोलते हैं एमिटर फॉलोवर, ठीक है। तो इसमें क्या है, कलेक्टर टर्मिनल को हम इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के मध्य में क्या कर दिए, कॉमन कर दिए, ठीक है। तो कॉमन तो वही है जी, कॉमन एमिटर मतलब क्या होगा कि इनपुट और आउटपुट के बीच में हमने कलेक्टर को कॉमन किया है। कॉमन क्यों करते हैं, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो बात करते हैं इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल हमारा बेस व कलेक्टर के मध्य दिया जाता है, किसके मध्य दिया जाता है, बेस व कलेक्टर के मध्य में हम इनपुट सिग्नल देते हैं, बेस और कलेक्टर के मध्य में, यहाँ पे चेंज हो रहा है इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या देने जा रहे हैं, इसमें यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल जो देते हैं
बेस व कलेक्टर के मध्य देते हैं और आउटपुट जो होता है वो एमिटर एवं कलेक्टर के मध्य में लिया जाता है। तो आउटपुट कहाँ ले रहे हैं? एमिटर और कलेक्टर के मध्य में आउटपुट ले रहे हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हमारा सर्किट डायग्राम है। तो बेस और कलेक्टर टर्मिनल हमारा किसके लिए यूज किया गया है? इनपुट के रूप में। और कलेक्टर और एमिटर टर्मिनल हमारा यूज किया गया है किसके लिए? आउटपुट के रूप में। तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पर समझने की बात है कि एमिटर टर्मिनल को हम यहाँ यूज कर रहे हैं आउटपुट के रूप में। तो एमिटर टर्मिनल जो होता है हमारा बेस एमिटर जंक्शन जिसे बोलते हैं जे ई, तो यहाँ पर जे ई हमारा क्या हो जा रहा है? आउटपुट के लिए हो जा रहा है। और इनपुट के लिए हमारा क्या हो जा रहा है? बेस और कलेक्टर जो कि जे सी है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अगर कॉमन कलेक्टर में, ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इनपुट टर्मिनल है हमारा या इनपुट जंक्शन जो है हमारा, इनपुट जंक्शन हमारा कौन सा है? जे सी है। वो आउटपुट जंक्शन कौन सा है हमारा? आउटपुट जंक्शन हमारा बन जा रहा है जे ई, ठीक है। तो हमने इसके पहले बताया भी आपको अभी जस्ट कि हम इनपुट टर्मिनल के रूप में जो होता है हमारा इनपुट सिग्नल बेस और कलेक्टर के मध्य दिया जाता है। तो जे सी जंक्शन हो गया हमारा बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। इसके अलावा आउटपुट टर्मिनल हम किसके मध्य ले रहे हैं? एमीटर और कलेक्टर के मध्य ले रहे हैं। तो हमारा जो आउटपुट जंक्शन बनेगा जे ई, एमीटर बेस जंक्शन बनेगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि आपको जे सी हमारा क्या होता है, हमेशा शुरू में बताया दिया था जे सी को हम रखेंगे रिवर्स बायस में और जे ई को रखेंगे हम फॉरवर्ड बायस में। तो जे सी हमारा हो गया क्या? रिवर्स बायस हो गया, ठीक है। तो जे सी हमारा क्या हो गया? रिवर्स बायस हो गया। और हमारा जे ई जो हो गया वो हमारा फॉरवर्ड बायस में हो गया, ठीक है। जब हमारा ये रिवर्स बायस हो गया तो क्या हो गया? रेजिस्टेंस। आप जैसे दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ तो आप भी एक एक पॉइंट को अपने दिमाग में सोचते हुए चला करें कि आगे क्या होने वाला है। मैं तो लिख ही रहा हूँ ऑलरेडी, लेकिन आप भी सोचा करो कि अब जे सी आया तो जे सी आया तो क्या होगा? जे सी आया तो रिवर्स बायस होगा। जब ये रिवर्स बायस होगा तो रिवर्स बायस में क्या होता है? थोड़ा जब आप सोचने का प्रयास करोगे ना तो चीज़ें आपको भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, ठीक है। क्योंकि अब एक दूसरे सब मैं लिंक करके चल रहा हूँ, इसीलिए कि आपको कन्फ्यूजन जो होता है ना, कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इसलिए हर चीज़ को मैं लिंक करके चल रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए आसानी से, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इनपुट में हमने क्या किया? जे सी को रखा। इसीलिए मैं दोस्तों जंक्शन को लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जंक्शन आपको समझ में आ गया है तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो जंक्शन हमारा जे सी है। तो जे सी हमारा रिवर्स बायस होता है। तो मैंने बताया था कि रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इनफाइनाइट या बहुत अधिक होता है। तो हम बोल सकते हैं क्या होगा? हाई होगा, ठीक है। ये हाई होगा क्या? हमारा इनपुट प्रतिरोध कॉमन कलेक्टर में बहुत अधिक या हाई होगा और आउटपुट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट प्रतिरोध होता है वो हाई होता है और आउट प्रतिरोध जो होता है वो लो होता है। क्यों होता है? उसका रीज़न मैंने आपको बताया। इसी रीजन की वजह से, इसी कारण से हमारा इनपुट प्रतिरोध हाई होता है और आउट प्रतिरोध लो होता है। आज तक आपने सिर्फ रटा होगा, शायद मैं कारण आपको नहीं पता रहा होगा। यदि आपको पता रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम आशा करते हैं काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगा, उन्हें भी आज ये चीज़ें पता चली होंगी, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट हैं कमेंट करते हैं सर कि आप ये चीज़ों को पढ़ाना न मत बताएँ, आप ये सब चीज़ें सबको पता है। तो दोस्त मैं आपसे कहता हूँ कि हाँ, आपको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं उन्हें शायद ये चीज़ें नहीं पता है। मैं उन स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जिनको कुछ नहीं पता है, और जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है। आपको भी यदि अच्छा लगे तो वीडियो आप देखिएगा, यदि आपको नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं उन्हीं स्टूडेंट के लिए वीडियो रखता हूँ जिनको मैं समझ के चलता हूँ कि उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जीरो लेवल से एक एक चीज़ समझाते हुए चल रहा हूँ। बाकी जिन स्टूडेंट को ये चीज़ें पता हैं उन्हें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आशा करता हूँ कि आपको कई चीज़ें रटी हैं, कहीं से आपने रट लिया होगा, कहीं से आपने जान लिया होगा, लेकिन आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ आपको उसमें नया ज़रूर मिलेगा। इतना मैं गारंटी चार कर सकता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको उसमें सीखने को ज़रूर मिलेगा। आपने आज तक वो चीज़ें रटी होंगी, लेकिन आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको शायद में वो रटी हुई चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि चीज़ें निकल कर आती कहाँ से, ठीक है।
तो निकल कर आई कहाँ से। अभी मैं इसको मैं इसके अंदर तक और मैं डिस्क्राइब कर सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए यहीं तक सीमित है, ठीक है। तो आईटीआई के एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपको मैं समझा दे रहा हूँ, क्योंकि ये इतना भी अंदर आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ जेई के एग्ज़ाम में, ठीक है, हर एक चीज़ पूछा जाता है, वो आपको जेसी पूछ लेगा तो जेसी होता क्या है, ठीक है, जेई होता क्या है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं जो चीज़ें में मुझे लगता है कि ये चीज़ें मैं आपको अगर अच्छे से समझा दूंगा यहाँ से, तो हो सकता है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसीलिए बाकी दोस्त, यदि आप कोई ऑलरेडी चीज़ें पहले से आती हैं तो कोई ज़रूरत नहीं आपको वीडियो देखने की, ठीक है। जिन बच्चों को वीडियो नहीं आता उनके लिए वीडियो है, ठीक है, जो फ्रेशर हैं, जो नए हैं, जो भी आईटीआई पास किए हैं, ठीक है, जिनको, क्योंकि मैंने देखा है प्राइवेट कॉलेजों से लोग आईटीआई कर लेते हैं, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में क्लास कैसे चलते हैं मुझे पता है, क्लास क्या होती है, क्या पढ़ाते हैं, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे पास हो जाते हैं किसी तरह, वो अलग बात है, ठीक है। तो निकल कर आते हैं तो उन फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक क्लास है, यदि उनको पसंद आए तो अच्छी, ठीक है। आइए हम आगे स्टार्ट करते हैं और चीज़ें बात करते हैं हम सीसी का। तो कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट प्रतिरोध होता है बहुत उच्च तथा आउटपुट प्रतिरोध बहुत कम होता है, ये चीज़ मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट प्रतिरोध होता है बहुत उच्च होता है, और इसका आउटपुट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है। तो आउटपुट प्रतिरोध बहुत कम होने की वजह से इसका हम प्रयोग करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग में, ठीक है, इम्पीडेंस मैचिंग में प्रयोग करते हैं कॉमन कलेक्टर का। कॉमन कलेक्टर का प्रयोग हम एमिटर फॉलोवर में करते हैं, कॉमन कलेक्टर का प्रयोग हम बफर स्टेज में भी करते हैं। तो इन सब जगह हम कॉमन कलेक्टर का प्रयोग करते हैं। तो सीसी का प्रयोग प्रतिबाधा मैचिंग में, बफर स्टेज परिपथों में भी किया जाता है। तीन चीज़ें याद रखना, कॉमन कलेक्टर में, मैचिंग प्रतिबाधा मैचिंग में, बफर स्टेज में, और एमीटर फॉलोअर में, इन तीन जगह हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ना, मैं आपको पढ़ा कह रहा हूँ, समझ लीजिए मैं आपको रटा रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप इसे जो ये रटना सीखें या आप समझना सीखें, तो जो भी है आप उसे सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करना है यू पी आर्मिनल का, तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है आप यू पी आर्मिनल या यू पी पी सी एल से हैं, किसी भी ट्रेड से हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स हैं, या भविष्य की वैकेंसी आपको डीएमआरसी देखना है, लखनऊ मेट्रो देखना है, कानपुर मेट्रो देखना है, आगरा मेट्रो देखनी है, किसी भी मेट्रो की आप तैयारी कर रहे हैं अभी से, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बोलते हैं ना रामबाण, तो आपके लिए रामबाण है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। हम बात करते हैं सीसी का। सीसी का प्रयोग एमिटर फॉलोअर में किया जाता है, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा इसका धारा लाभ उच्च होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसका करंट गेन अधिक होती है, कॉमन कलेक्टर की करंट गेन अधिक होती है, ठीक है। तो कॉमन कलेक्टर की करंट गेन अधिक होती है, और इसका जो वोल्टेज लाभ होता है, वोल्टेज लाभ एक से कम होता है। तो वोल्टेज लाभ तो एक से कम होता है, लेकिन जो इसकी धारा लाभ होती है बहुत अधिक होती है, ठीक है। हम आशा करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। हाँ, इस सभी बंद की हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे एक दूसरे से, ठीक है, किस में क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सभी बंद की आपस में तुलना कर लेते हैं, तो बात करेंगे पहले, ठीक है। तो कॉमन बेस देखिए, मैंने लिखा है ऑलरेडी, कॉमन बेस, कॉमन मीटर और कॉमन कलेक्टर, एक कंपेयर जो हमने आप तक अभी तक आपको पढ़ाया उस सभी का ऐसे निचोड़ है, ठीक है, पूरे वीडियो का ही निचोड़ है। बात करते हैं कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर की। तो इधर हमारे पैरामीटर लिखे हैं, किस पैरामीटर के बारे में बात करेंगे हम, बात करते हैं हमें इनपुट प्रतिरोध की। तो इनपुट प्रतिरोध हमारा कॉमन बेस में कितना होता है, मैंने बताया था कॉमन बेस में इनपुट प्रतिरोध क्या होता है, बहुत कम होता है, लगभग 20 ओम से लेके 100 ओम के बीच में। लेकिन मैंने बताया था सी में इनपुट प्रतिरोध क्या होता है, कॉमन बेस से अधिक होता है। तो कॉमन बेस से अधिक कितना हो जाएगा, 1 किलो ओम, लो तो होता है लेकिन कॉमन बेस से अधिक होता है। तो सी में भी इनपुट प्रतिरोध लो होता है या कम होता है, सी बी में बहुत कम होता है, और सी सी में क्या होता है, अधिक होता है, लगभग 1 मेगा ओम।
तो 1 मेगा ओम होता है कॉमन कलेक्टर का प्रतिरोध इनपुट। ठीक है, हम बात करते हैं आउटपुट प्रतिरोध की, तो आउटपुट प्रतिरोध जो होता है हमारा बहुत अधिक होता है कॉमन बेस में, लगभग 1 मेगा ओम के आसपास। बाकी हम बात करते हैं सीई में, तो अधिक होता है कितना, 100 किलो ओम के आसपास होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कॉमन कलेक्टर की, तो कॉमन कलेक्टर का जो आउटपुट प्रतिरोध होता है वो लो होता है, लगभग 1 किलो ओम के आसपास होता है। ठीक है, ये है हमारा कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन मीटर का इनपुट और आउटपुट प्रतिबाधा, जो कि यहाँ से एक या दो नंबर तो 100% बनना ही बनना है, किसी भी एग्जाम में होगा यहाँ से आपको 100% बनना है। मैं आपसे कहूँगा आप इस पॉइंट को आप याद रख लो यार, अगर 2-4 पॉइंट याद रखने से आपको 1 नंबर 2 नंबर मिल जाए बहुत बड़ी बात है, यहाँ पूरी पूरी किताब पढ़ ली जाती है तब भी 1 नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को आप याद रखें। बात करते हैं हम करंट गेन या धारा लाभ की, तो धारा लाभ क्या होता है, 1 से कुछ कम होता है, लगभग 0.98 होता है, किसमें, कॉमन बेस में। हम बात करते हैं कॉमन मीटर में, तो अधिक होता है लगभग 100, और कॉमन कलेक्टर में भी अधिक होता है लगभग 100। ठीक है, अब हम बात करते हैं वोल्टेज लाभ की, तो वोल्टेज लाभ जो होता है हमारा कॉमन बेस में, ठीक है, अधिक होता है लगभग 1000 होता है, और कॉमन एमिटर में भी अधिक होता है लगभग 1000 होता है, लेकिन कॉमन कलेक्टर में 1 से कुछ कम लगभग 0.98 होता है। ठीक है, ये रहा हमारा वोल्टेज लाभ। हम बात करते हैं पावर लाभ की या पावर गेन की, तो पावर गेन हमारा क्या होता है, मीडियम होता है, किसमें, कॉमन बेस में, और कॉमन एमिटर में सबसे अधिक होता है, मैंने बताया था आपको अभी, और कॉमन कलेक्टर में क्या होता है, कम होता है या लो होता है। बात करते हैं लीकेज धारा की, तो लीकेज धारा हमारी क्या होती है, बहुत कम होती है कॉमन बेस में, एमिटर में बहुत अधिक होती है, और कॉमन कलेक्टर में बहुत अधिक होती है लीकेज धारा। हम बात करते हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस, तो ये भी बहुत पूछा जाता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, कॉमन बेस में 0 डिग्री का, कॉमन एमिटर में 180 डिग्री का, और कॉमन कलेक्टर में 0 डिग्री का। तो आपको याद रखना है कॉमन एमिटर में इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है 180 डिग्री होता है, बाकी दोनों में 0 डिग्री का होता है। ठीक है, बाकी हम प्रयोग किसकी का, किसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉमन बेस का प्रयोग हम वोल्टेज व शक्ति प्रवर्धक के रूप में करते हैं, वोल्टेज व पावर एम्पलीफायर के रूप में हम कॉमन बेस का करते हैं, वोल्टेज धारा व शक्ति प्रवर्धक, वोल्टेज करंट व पावर एम्पलीफायर के रूप में हम कॉमन एमिटर करते हैं, मतलब वोल्टेज को एम्पलीफाई करने के लिए भी कॉमन एमिटर, पावर को भी एम्पलीफाई करने के लिए कॉमन एमिटर, और धारा को भी एम्पलीफाई करने के लिए कॉमन एमिटर का प्रयोग करते हैं। बाकी प्रतिबाधा मैचिंग, बफर स्टेज, वाटमीटर फॉलोअर रूप में इसका प्रयोग करते हैं कॉमन कलेक्टर का। ये सब चीज़ें थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। हम आशा करते हैं कि आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने समझाया वो कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उस फार्मूले को मैं आपको वैसे से ओवरऑल में दिखाऊंगा, आप देख लीजिए, उन फार्मूले को भी रटने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से न्यूमेरिकल आता है सिंपल सा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं रिलेशन बिटवीन आईसी, आईबी एंड आईसीओ। ठीक है, कलेक्टर करंट, बेस करंट और कलेक्टर एमीटर की जो लीकेज करंट होती है एमीटर की, आईसीओ की हम बारे में बात करेंगे। तो आईसी इक्वल टू जो हमारा रिलेशन बनता है बीटा आईबी प्लस आईसीओ, क्या होता है, कलेक्टर करंट आईसी इक्वल टू बीटा आईबी प्लस आईसीओ, इस फार्मूले को याद रखें, डायरेक्टली फार्मूला ऐसे पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करेंगे रिलेशन किसमें, आईसी में, बी आईबी में और आईसीबीओ में। तो आईसी इक्वल टू कलेक्टर करंट आईसी इक्वल टू हो जाता है अल्फा आई प्लस आईसीबीओ, अल्फा आई प्लस आईसीबीओ। ठीक है, ये रहा फार्मूला, हम आशा करेंगे इस चीज़ को आप रट लेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा एक आईसी इक्वल टू होता है बीटा आईबी प्लस बीटा प्लस वन आईसीबीओ, एक फार्मूला ये भी होता है आईसी इक्वल टू बीटा आई बी बीटा प्लस वन आई सी बी यू। ठीक है, जैसे दोस्तों जो फार्मूले निकल के आते हैं इनका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन बाहर निकल के आता है, तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए, इंपॉर्टेंट फार्मूले थे, इसलिए मैंने फार्मूले को लिख लिया। ठीक है, आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट आई सी बी ओ एंड आई सी ओ में। ये फार्मूला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उसमें न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, कभी कभी क्या बहुत बार आया है हमारे सबके यहाँ, तो आपके यहाँ भी आने की संभावना होती है। ठीक है,
तो आई सी ईओ इक्वल टू हो जाता है बीटा प्लस वन आई सी बी ओ, मतलब लीकेज करंट के बीच का रिलेशन है, ठीक है। लीकेज करंट आई सी बी ओ और लीकेज करंट आई सी ईओ के बीच का जो रिलेशन होता है, आई सी ईओ इक्वल टू होता है बीटा प्लस वन आई सी बी ओ, इस रिलेशन को आपको याद रखना है, ठीक है। एक सिंपल सा न्यूमेरिकल भी इस पर लगाने के लिए आता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं रिलेशन, देख लीजिए अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन कैसे बनता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, तो अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन कैसे बनेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि एमीटर करंट इक्वल टू क्या होता है, एमीटर करंट इक्वल टू हमारा होता है आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, ये होती है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा आई, डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी। हम दोनों तरफ क्या करते हैं, डेल्टा आई सी से हम डिवाइड कर देते हैं, हमने डेल्टा आई सी से डिवाइड कर दिया। अब डेल्टा आई सी डिवाइड करने के बाद अब देखिए क्या होता है, हमने बताया था कि अल्फा इक्वल टू क्या होता है, डेल आई सी अपान डेल आई ई होता है, ठीक है। तो डेल आई होता है, देखिए यहाँ लिखा है डेल आई अपान डेल आई सी, तो इसका मतलब क्या करता है, इसको इन्वर्स करके लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया हमने वन अपान अल्फा। अब देखिए डेल आई सी अपान डेल आई सी कट गया, यहाँ पर बच गया एक। फिर यहाँ देखिए डेल आई बी अपान डेल आई सी, मैंने बताया था कि डेल आई सी अपान डेल आई बी होता है किसके बराबर, वो होता है हमारे बीटा के बराबर, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ तो उसको भी हम उल्टा लिख सकते हैं वन अपान बीटा। इतना कर लिया हमने, हमको मिल गया क्या, हमको मिल गया वन अपान अल्फा इक्वल टू वन प्लस वन अपान बीटा, तो हमने बीटा को ला सर लिया, तो बीटा प्लस वन अपान बीटा हो गया। तो हमने अल्फा का मान निकाला तो बीटा अपान वन प्लस बीटा आ गया, और बीटा का मान निकालेंगे तो अल्फा अपान वन माइनस अल्फा आ जाएगा। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, अल्फा और बीटा के बीच में। अब यहाँ भी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि अब बीटा अपान वन प्लस बीटा होगा कि बीटा अपान वन माइनस बीटा होगा, या अल्फा अपान वन माइनस अल्फा होगा कि अल्फा अपान वन प्लस अल्फा होगा। तो इसको भी मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। हमने बताया था कि अल्फा का मान कितना होता है, अल्फा का मान होता है 0.98, मतलब अल्फा का मान एक से कम होता है। अल्फा का मान एक से कम कब होगा, अगर किसी संख्या को, मान चलो कोई संख्या एक है, अगर एक को हम एक से डिवाइड करेंगे तो एक आएगा, लेकिन अगर किसी संख्या को हम एक को अगर हम दो से डिवाइड करेंगे तो इसका मान एक से कम आएगा। मतलब क्या हुआ, यदि नीचे मतलब जो हमारा हर है या डिनोमिनेटर है उसका यदि वैल्यू अधिक होगी तो ऊपर की वैल्यू क्या आएगी, अंश की वैल्यू जो होगी हमारी वो कम आएगी। तो हम क्या करेंगे कि अधिक होगी तो मतलब उसका प्लस का सिंबल होना चाहिए, तो अल्फा का मान हमको एक से कम लाना है तो नीचे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा का मान तभी कम आएगा जब नीचे की वैल्यू अधिक होगी, तो नीचे की वैल्यू अधिक कब होगी, जब वन प्लस बीटा होगा, तो वन प्लस बीटा मतलब प्लस सिंबल अधिक होगा, तो इसीलिए अल्फा का मान क्या होगा, एक से कम आएगा। तो नीचे की वैल्यू यदि अधिक होगी तो एक का मान कम आएगा, तो इसलिए अल्फा इक्वल टू को मिल जाता है बीटा पान वन प्लस बीटा। तो याद करने का तरीका है, कभी कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे। बाकी हम बात करते हैं बीटा की, तो बीटा का मान क्या होता है, एक से अधिक होता है। तो एक से अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए, नीचे की वैल्यू कम होनी चाहिए, जब नीचे की वैल्यू एक से कम होगी तो ऊपर वैल्यू एक से अधिक आएगी। तो एक से अधिक आएगी उस कंडीशन में जब नीचे की वैल्यू एक से कम होगी, तो एक से कम होने के लिए तो वन में से अगर हम एक को घटाएंगे, वन में से अगर किसी को वैल्यू को हम कम करेंगे तभी नीचे की वैल्यू कम आएगी। तो इसीलिए बीटा इक्वल टू अल्फा अपान वन माइनस अल्फा होता है। तो बीटा के केस में नीचे निगेटिव होता है, अल्फा केस में नीचे पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन, ठीक है। अल्फा बीटा एंड गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू होता है बीटा अपान वन प्लस बीटा, जैसे मैंने आपको बताया अभी। बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपान वन माइनस अल्फा। देखिए दोस्तों, ये सारे फार्मूले आपको हर हाल में किसी न किसी तरह आपको रटना ही है, ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इससे पूछ लेता है कि बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा बराबर क्या होता है, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, तो आपको एक नंबर आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा गामा इक्वल टू क्या होता है, गामा इक्वल टू अल्फा के केस में होता है वन अपान वन माइनस अल्फा, वन अपान वन माइनस अल्फा, और गामा इक्वल टू होता है बीटा प्लस वन बीटा के केस में। तो दोस्तों, ये रहा ट्रांजिस्टर। हम आशा करते हैं कि ट्रांजिस्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन रहा लगभग समाप्त हो गया। ट्रांजिस्टर की बायसिंग बची है, बायसिंग से क्वेश्चन आपके यहाँ आते नहीं हैं, तो हम बायसिंग आपको नहीं कराएंगे, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर बायसिंग के, बायसिंग चार प्रकार की होती हैं दोस्तों, एमिटर बेस बायसिंग, कलेक्टर बेस बायसिंग, ठीक है।
इसके अलावा पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट होती है, पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि उसकी स्थिरता सबसे अधिक होती है। इसी चीज़ को आप याद रखें कि जो पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग होती है जिसे बोलते हैं विभव विभाजक परिपथ, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं क्या, विभव विभाजक परिपथ। तो विभव विभाजक परिपथ जो होता है उसकी क्या होता है, उसका जो है स्थिरता बहुत अधिक होती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक मैं जैसे चीज़ें मैंने आपको बताया ये सब चीज़ें, अब उसी में एक मैं शॉर्ट कट बताता हूँ अपना तरीका सब चीज़ों को याद करने के लिए। पूरे वीडियो को निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इसमें क्या होगा, ऐसा आपको एक ट्रांजिस्टर बना लेना है। हमने एक ट्रांजिस्टर बना लिया, ठीक है, ये हमारा बेस है, ये हमारा कलेक्टर है, और हमारा क्या है, एमीटर, ठीक है। तो कलेक्टर में करंट कौन से प्रवाहित होगी, आईसी, बेस में धारा आईबी, और एमीटर में धारा आईसी, इतना चीज़ें प्रवाहित होंगी। तो आपको ऐसे क्या करना है, इनके बीच मान लेना है आपको अल्फा, इनके बीच मान लेना है आपको बीटा, और इसके बीच मान लेना है आपको गामा, ठीक है। तो हम अल्फा इक्वल टू लिखेंगे क्या, अल्फा के इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो लिख लेंगे। तो अल्फा इक्वल टू हो गया आई सी अपान आई बी, आई सी अपान आई बी मिला आपको। अब देखिए कि आई सी अपान आई बी तो इसमें क्या चीज़ ऐसी है, सॉरी दोस्तों आई बी नहीं होगा, आई ए होगा, क्योंकि इसके बीच का जो रेशियो है क्या है, आई सी अपान आई ए। तो आई सी अपान आई ई, तो यहाँ देखिए क्या चीज़ कामन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कामन क्या है, कोई चीज़ कोई करंट ऐसी है जो उसमें दिख नहीं रही है, आपको एमीटर करंट दिख रही है, कलेक्टर करंट दिख रही है, लेकिन बेस करंट नहीं दिख रही है। इसका मतलब बेस करंट को क्या कर दिया हमने, ग्राउंड कर दिया है। तो अल्फा किसके लिए हो गया, एक अभी जो फार्मूला निकल के आया किसमें निकल के आया, कामन बेस में। अब इससे आपको क्या पता चल गया कि कामन बेस किसके लिए होता है, अल्फा के लिए होता है, ठीक है, और एक करंट भी पता हो गई। तो इस चीज़ से आपको ये चीज़ पता हो गई। हम बात करते हैं इधर बीटा इक्वल टू, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई सी अपान आई बी, क्योंकि कलेक्टर और बेस के बीच में है, तो आई सी अपान आई बी हो गया। एक बार फिर से लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाते हैं तो समझ में आता है, थोड़ा सी स्क्रीन छोटी पड़ जाती है तो इसीलिए समझ में नहीं आता चीज़ें, आई सी और आई बी, ठीक है। अब इसके बीच में क्या है, बीटा है, और इसके बीच में अल्फा था, मैंने बता दिया था, इसके बीच में गामा है। तो अब बीटा के बीच में क्या है, बीटा इक्वल टू किसके किसके बीच में, कलेक्टर के बीच में और बेस के बीच में, तो हो जाएगा हमारा क्या, आई सी अपान आई बी हो जाएगा, आई सी अपान आई बी हुआ। जब आई सी अपान आई बी हुआ तो देखिए इसमें कौन सी करंट कामन है, तो इसमें एक करंट नहीं दिख रही है, कौन सी करंट है, वो एमीटर करंट नहीं दिख रही है, तो क्या हो जाएगा, एक कामन एमीटर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कामन एमीटर के लिए क्या प्रयोग करते हैं, बीटा, ये चीज़ें आपको यहाँ पता चल गई। और लास्ट में बात करते हैं हम गामा की, तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें दोस्तों क्या रखना है, अभी हम आई सी अपान आई बी रख रहे थे, आई सी अपान आई ई रख रहे थे, और इसमें नीचे लिखना है पहले आई ई अपान आई बी, आई ई अपान आई बी। तो इसमें देखिए क्या कामन है, किसमें कलेक्टर करंट नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, कामन कलेक्टर के लिए। तो यहाँ से आपको सारे फार्मूले भी याद हो जाएंगे, वो आपको पता भी चल जाएगा कौन किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हम आशा करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपका वीडियो, आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।